आज हम आपको लेके जाएंगे महादेव की सबसे कठिन यात्राओं में से एक श्रीखंड महादेव कैलाश यात्रा पर, जहां महादेव की मर्जी के बिना कोई भी नहीं जा सकता। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पार्वती माता के आंसुओं से बना नयन सरोवर और पार्वती बाग। आज हम आपको दिखाएंगे भीम द्वारा बनाया गया स्वर्ग का रास्ता और ऐसे बहुत खतरनाक रास्ते जहां से होकर शिव भक्त जाते हैं महादेव के पास। और इस वीडियो में हम आपको साक्षात देवों के देव महादेव से मिलवाएंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ये यात्रा कब और कहां से शुरू होती है। तो आइए चलते हैं श्रीखंड कैलाश यात्रा पर। ये पहुंच गया श्रीखंड कैलाश, ये मेरा दूसरा कैलाश पर्वत है। अगर भगवान ने चाहा तो पंचकैलाशी बनेंगे, आप लोगों की दुआएं नहीं तो पंचकैलाशी बनेंगे। बस यहाँ के निःशब्द हो चुका हूँ, इससे बड़ा मंजर कुछ नहीं हो सकता। तो हम आपको बता दें कि ये यात्रा जाओ विलेज से स्टार्ट होती है, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। हमने अपनी यात्रा दिल्ली से स्टार्ट की थी। दिल्ली से जाओ विलेज पहुंचने के लिए बसें आपको दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से रामपुर की डायरेक्ट HRTC की बस मिल जाएगी, जो कि आपको लगभग 15 घंटों में रामपुर पहुंचा देगी, जिसका किराया लगभग 800 से 900 रुपये होगा। और आप अदर स्टेट से आते हैं तो आपको सबसे पहले पहुंचना होगा शिमला, शिमला से आपको रामपुर की डायरेक्ट बस मिल जाएगी। रामपुर पहुंचकर आपको जाओ विलेज पहुंचने के लिए शेयर कार या टेम्पो ट्रैवलर लेना होगा, जो कि आपको 1 से 1.5 घंटे में जाओ विलेज पहुंचा देगा। जाओ विलेज से आपकी श्रीखंड महादेव कैलाश की यात्रा स्टार्ट होगी। दिल्ली से शाम को 6 बजे बस पकड़ी थी हमने, 6:30 बजे, और इस टाइम हम लोग 9:30 बजे 14 से 15 घंटे का सफ़र हुआ है। और ये पीछे देखिए, मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है आई लव रामपुर का, फ्रंट कैमरा ऑन है तो इसलिए वो उल्टा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम ऑटो करेंगे देवटांग के लिए, क्योंकि कहा जाता है श्रीखंड कैलाश के दर्शन जब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक आप देवटांग गुफा के दर्शन ना करें। तो पहले हम देवटांग जाएंगे, तो अभी उसके लिए हम गाड़ी वगैरह देख रहे हैं। देवटांग गुफा रामपुर से जाओ विलेज जाते समय निर्मंड गांव में पड़ती है। गुफा के बारे में ऐसी मान्यता है कि अगर आप देवडांग गुफा के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी श्रीखंड कैलाश यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तो आप जब भी श्रीखंड कैलाश यात्रा पर आते हैं तो देवडांग गुफा के दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों, ये है देवडांग गुफा का एंट्रेंस और कुछ इस तरीके का रास्ता है ये। यहाँ पे जालियां वगैरह लगा रखी हैं क्योंकि यात्रा के टाइम पे काफी भीड़ हो जाती है। तो दोस्तों, देवडांग गुफा एक मंदिर है जो श्रीखंड महादेव के लिए गुप्त मार्ग है, जो कि भीम द्वारी पे जाके निकलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस देवडांग गुफा के बारे में ये कहा जाता है कि महादेव ने भस्मासुर को प्रसन्न होकर भस्म कंगन दिया, जिससे वह किसी के भी सर पर हाथ रखकर उसे भस्म कर सकता था। लेकिन भस्मासुर ने इस भस्म कंगन का महादेव पर ही प्रयोग करना चाहा, इसी कारण महादेव भस्मासुर से छुपकर इस गुफा द्वारा श्रीखंड महादेव कैलाश पहुंच गए। और ये गुफा को आप अंदर से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब कंजेस्टेड टाइप की गुफा है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये भस्मासुर के नाखूनों के निशान है, ये ऑरेंज कलर में जो आप देख रहे हैं, ये जो निशान है ना भस्मासुर के हैं। बाकी पूरी प्रॉपर गुफा की तरह ही है। अंदर यहाँ पे पंडित जी वगैरह बैठते हैं और यहीं पे आरती वगैरह होती है महादेव जी की। और ये बहुत संकरी गुफा है, इसमें अंदर घुसने में भी बड़ी आपको दिक्कत आएगी और बाहर निकलने के लिए बहुत पतला सा रास्ता है। और ये देखिए, यहाँ पे हमारे भोलेनाथ जी विराजमान है, ये देखिए आप। अरे गाइस, सारे के सारे श्रीखंड के लिए जा रहे हैं, 10 बंदों की टीम है। यो बोलो हर हर महादेव। तो देवडांग गुफा के दर्शन करने के बाद हम लोग जाओ विलेज गए। जाओ विलेज से 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करने के बाद हमने सिंघाड़ में ही नाइट स्टे किया।
अगर आप लोग भी श्रीखंड कैलाश यात्रा पर आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप लोग भी पहले दिन का नाइट स्टे सिंघाड़ में ही करें। श्रीखंड यात्रा पर जाने से पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। इस बार ये यात्रा 7 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक स्टार्ट हो रही है। वैसे इस यात्रा को कुछ शिव भक्त अनऑफिशियल टाइम पे भी करते हैं, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप अनऑफिशियल यात्रा ना करें। ऑफिशियल और अनऑफिशियल में क्या फर्क होता है वो हम आपको बता देते हैं। अगर आप ऑफिशियली टाइम में ये यात्रा करते हैं तो आपको प्रशासन की तरफ से कुछ फैसिलिटीज मिल जाएंगी, जैसे कि सभी बेस कैंप पर रेस्क्यू टीम होगी और मेडिकल फैसिलिटीज के साथ साथ प्रशासन द्वारा लगाए जाने वाले भंडारे भी आपको मिल जाएंगे। प्रशासन द्वारा स्टार्ट ऑफिशियल टाइम से एक महीने पहले या बाद में की जाने वाली यात्रा अनऑफिशियल कहलाती है। इस दौरान प्रशासन द्वारा दी जाने वाली कोई भी सुविधा आपको नहीं मिलेगी और साथ ही यात्रा के दौरान कैंप फैसिलिटी भी बहुत कम हो जाती हैं, तो अनऑफिशियली यात्रा में आपको अपने ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। यात्रा पर जाने से पहले कुछ ज़रूरी सामान आपको कैरी करना है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको पता है ये यात्रा मानसून के टाइम स्टार्ट होती है, तो हो सकता है आपको हैवी रेनफॉल का सामना करना पड़े, इसलिए आपको सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी वाला रेनकोट और अम्ब्रेला साथ में कैरी करना है। साथ ही कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रखनी है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट वगैरह। और इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक या एनर्जी पाउडर भी रख लें, क्योंकि इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और आपको एक लाइट वेट वार्म जैकेट भी रखनी है, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर 0 डिग्री तक गिर सकता है, इसलिए आप एक गर्म जैकेट ज़रूर कैरी करें। एक बात का खास ख्याल रखें कि आपको सारा सामान एक पिट्ठू बैग में कैरी करना है, और कोशिश करें कि बहुत कम से कम और बहुत ज़रूरी सामान ही साथ लेकर ऊपर जाएं, क्योंकि आपको 35 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी है। साथ ही आपको कुछ मेडिसिन कैरी करनी है, क्योंकि हाइट पर पहुंचने पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके कारण आपको सर चकराना, वॉमिटिंग आना, ये सारे हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स हैं। जय बोले। देखिए सामने वैली, क्या शानदार नज़ारे हैं। साथ में हमारे पानी चल रहा है, बहुत तेज बहाव है उसका। और ये हमारे कुछ युवा ट्रैकर्स, ये हैं संदीप, फर्स्ट टाइम कैलाश कर रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नज़ारे देखिए, खतरनाक पानी का फ्लो देखो आप। मानसून की वजह से पानी का फ्लो और ज़्यादा बढ़ गया है, और ये अभी और बढ़ेगा क्योंकि मानसून की अभी स्टार्टिंग है। और ग्रीनरी देखिए वैली में, और रास्ते देखिए कुछ इस तरीके के हैं। कहीं चढ़ना है तो कहीं ढलान है, कहीं एकदम स्टीप है, लेकिन भोले बाबा का नाम लेते जाना है और आगे आगे बढ़ते जाना है। इस जयकारों से ना पॉजिटिव वाइब्स आती है, अंदर से एनर्जी आ जाती है और आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। तो बस जयकारे लगाते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। जय बोले। और देखिए काफी लोग यात्रा करके आ रहे हैं। बाकी देखिए नज़ारे, ऐसे नज़ारे सिर्फ आपको श्रीखंड यात्रा पे देखने को मिलेंगे। तो फाइनली हमारी श्रीखंड महादेव के लिए यात्रा स्टार्ट हो चुकी है जाओं से। अब हम पैदल 3 किलोमीटर का ट्रैक करके सिंघाड़ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने नाइट स्टे वहीं पे करने का फैसला लिया है। आप लोग भी अगर यात्रा पे आते हैं तो सिंघाड़ में नाइट स्टे कर सकते हैं, क्योंकि आप अगले दिन सिंघाड़ से रजिस्ट्रेशन करवा के अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं, और सिंघाड़ में आपको रहने के लिए अच्छे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो फाइनली हम लोग सिंघाड़ पहुंच चुके हैं, और सिंघाड़ में हमने अपना होम स्टे ले लिया है। हम लोग 10 बंदे थे ग्रुप में, तो हमने 2 कमरे लिए हैं। यहाँ पर आपको रूम नहीं मिलता, यहाँ पर एक बंदे को एक बेड मिलता है,
तो उसमें आपका खाना और रहना दोनों इंक्लूड होता है और इसका टैरिफ पर पर्सन 400 रुपीज़ होता है। और यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पे आपको चाय भंडारा मिल रहा है, चाय वगैरह पी सकते हैं, बिस्किट खा सकते हैं। शिविर है भोले बाबा का, यहाँ पे आप रुक भी सकते हैं। ये सिंघाड़ में फर्स्ट एड कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे सबका फिटनेस टेस्ट हो रहा है। और ये हमारे दोस्त रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, रोहित, सागर, नवीन, संदीप, अनूप, ये सब रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। बैक चेक हो चुका है, इसके बाद फिटनेस करवाएंगे। और भक्तगण आ रहे हैं यात्रा करने के लिए, सब उत्साहित है उतना इतना मैं भी हूँ। और ये हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं नीचे एकदम खड़ी चढ़ाई है, एकदम ढलान है, बहुत कदम संभाल संभाल के रखने पड़ रहे हैं। बहुत पतला सा रास्ता है, पानी का फ्लो देखिए आप, पानी का फ्लो कितना तेज पानी है। तो सिंघाड़ से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है और जो हमारा पहला बेस कैंप पड़ेगा वो है थाचुड़ू, जहां हम लोग नाइट स्टे करेंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप ज़्यादा थके हुए नहीं हैं और आप पर थोड़ा टाइम भी है तो आप थाचुड़ू ना रुकें और सीधा काली टॉप रुकें। थाचुड़ू से काली टॉप की दूरी 2 किलोमीटर की है। अगर आप काली टॉप रुकते हैं तो आपको इससे बेनिफिट होगा कि नेक्स्ट डे की ट्रैक में आपको 2 किलोमीटर कम हो जाएंगे। सिंघाड़ से थाचुड़ू की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है। सिंघाड़ से 3 किलोमीटर आपको पड़ेगा बरहाटी नाला और बरहाटी नाले से 8 किलोमीटर का सफ़र रहेगा थाचुड़ू का। बरहाटी नाले से थाचुड़ू का ये 8 किलोमीटर का सफ़र बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। कुछ शिवभक्ति से 8 किलोमीटर से ही घर वापस चले जाते हैं और हार मान लेते हैं, क्योंकि ये 8 किलोमीटर का बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई वाला सफ़र है और इसको डंडाधार की खड़ी चढ़ाई भी बोला जाता है। अभी हम पहुंच चुके, थोड़ा आगे चल गए हैं और एक छोटा सा वाटरफॉल मिला है, देखिए आप छोटू सा वाटरफॉल। थकान हो गई है काफ़ी ज़्यादा, बाकी चल रहे हैं, भोले बाबा का नाम ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बाकी नज़ारे में बहुत खूबसूरत है, अभी पूरी वैली ग्रीन हो रखी है। ये है थाचुड़ू का ट्रैक है जो कि लगभग 12 किलोमीटर का है और एकदम खड़ी चढ़ाई है। ये बराती नाला आ चुका है और इसके बाद ये आपको ऊपर दिखाता हूँ वैली, यहाँ से पूरी खड़ी चढ़ाई स्टार्ट है, पूरा खड़ा पहाड़ है, 8 किलोमीटर की चढ़ाई है यहाँ से। और यहाँ से हमको ये नदी हमारा साथ छोड़ देगी, इसके बाद हमें आगे नहीं मिलेगी। यहाँ पे बरास नाम के पेड़ पाए जाते हैं, इसीलिए इसको बराहटी नाला बोला जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कैलाश पर्वत की। वैसे तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जो भोलेनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन उन सभी में से पंच कैलाश सबसे ज्यादा फेमस है। और पंच कैलाश में से अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा फेमस है वो है कैलाश मानसरोवर। अधिकतर शिव भक्त कैलाश मानसरोवर के बारे में ही जानते हैं जो कि चीन के तिब्बत में स्थित है, लेकिन इसके अलावा भारत में जो कैलाश पर्वत हैं वो हैं 4, जैसे कि आदि कैलाश पर्वत जो कि छोटे कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पड़ता है। उसके बाद आता है मणि महेश कैलाश, किन्नौर कैलाश और श्रीखंड कैलाश पर्वत। ये तीनों कैलाश पर्वत हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिले में मौजूद हैं। तो शाम के 7 बज चुके हैं और फाइनली हम थाचुड़ू पहुंच चुके हैं। यहाँ रहने के लिए आपको बहुत सारे कैंप मिल जाएंगे जिसमें आप रेस्ट कर सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं, जिसका चार्ज लगभग 300 से 400 रुपए पर पर्सन होगा, जिसमें रात का खाना भी इंक्लूड होगा। तो हम लोग इस टाइम काली घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बाद काली टॉप आएगा।
और काली घाटी से काली टॉप तक पूरी खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पर जंगल के बड़े बड़े पेड़ खत्म हो जाते हैं और छोटे छोटे पेड़ पौधे जड़ी बूटियों का इलाका चालू हो जाता है। आपको इसके बाद पानी का सोर्स भी नहीं मिलेगा, तो थाचुड़ू से अपनी पानी की बोतल ज़रूर रिफिल कर लें। यहाँ तक आते आते सबकी हालत बहुत ख़राब होने लगती है, बस एक ही मन में ख्याल आता है कि भोलेनाथ से मिलना है, और यही विश्वास आपको ऊपर तक लेके जाता है। आज हमारा यात्रा का दूसरा दिन है और हमारा दूसरा बेस कैंप है वो है थाचुड़ू से लेकर भीमद्वारी तक। आप चाहें तो भीमद्वारी ना रुककर पार्वती बाग भी रुक सकते हैं, अगर आपके अंदर स्टैमिना है और आपके पास समय की कोई कमी नहीं है, अगर आप जल्दी पहुंच चुके हैं तो। जो भीमद्वारी से पार्वती बाग की दूरी है वो है लगभग 2 किलोमीटर। थाचुड़ू से भीमद्वारी तक हम काली टॉप, भीमतलाई, कुंसा होते हुए जाएंगे, और थाचुड़ू से भीमद्वारी का पूरा रास्ता बहुत ज़्यादा नहरों है, तो आपको एक एक कदम फूक फूक कर रखना है, क्योंकि आपकी एक लापरवाही आपको पछताने का भी मौका नहीं देगी। यह पूरा इलाका खाई से घिरा हुआ है और यहाँ वक्त वक्त पर धुंध पड़ती रहती है, तो आपको बहुत संभल संभल कर चलना है ताकि आप भोलेनाथ के पास सही सलामत जा सकें और उनके दर्शन कर सकें। तो फाइनली हम काली टॉप पहुँच चुके हैं। यहाँ माता रानी का मंदिर है, ये काली माता का मंदिर है वैसे तो, और यहाँ से माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद हम भीमद्वारी की तरफ बढ़ चले हैं। जयकारा शेरो वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। और माता रानी के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, और इस पूरी यात्रा में पहली बार आपको ढलान देखने को मिलेगी। ये ढलान आपको भीमतलाई तक मिलेगी, लेकिन ये ढलान बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो बहुत ध्यान से आपको उतरना है, क्योंकि यहाँ पर आपके शूज़ बहुत ज़्यादा स्लिप करेंगे, तो ध्यान से उतरने की कोशिश करें। तो भीमतलाई की ढलान को क्रॉस करने के बाद आपको संकरे रास्ते से होते हुए आगे बढ़ना है। एक बात का खास ख्याल रखें, रास्ते में जाते हुए आप किसी भी जड़ी बूटी को हाथ ना लगाएं, क्योंकि सभी जड़ी बूटियों के अपने ही गुण और विकार होते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको किस जड़ी बूटी को छूने से क्या नुकसान हो गया, तो किसी भी पौधे को हाथ ना लगाएं। एक झरना आया है, झरना देखिए कुछ इस तरीके का झरना है, ये ऊपर से आके नीचे की तरफ जा रहा है। जब यह ट्रैक करते हैं अपने साथ दवाइयां रखें, क्योंकि आप ऊपर हाइट पे जाएंगे आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, तो जो भी दवाइयां मेडिसिन है वो साथ रखें, ड्राई फ्रूट्स रखें। अपना पहला ग्लेशियर, छोटा है बड़ा नहीं है, ये आ चुका है, अभी हम थोड़ी देर में से क्रॉस करेंगे। काफ़ी एडवेंचरस है और बहुत डेंजरस है यहाँ की सड़कें, सड़क तो है नहीं खैर, ये एक छोटी सी ट्रेल है, कई कई जगह पे ये बहुत छोटी सी हो जाती है, आधा फुट की जगह भी नहीं होती, दो पैर आप एक साथ रख नहीं सकते। तो भीमद्वारी जाते टाइम हमारा ये पहला ग्लेशियर आया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कोई भी ग्लेशियर उतना ही खतरनाक होता है जितना बड़ा ग्लेशियर होता है, तो आपको बस ध्यान से इसको क्रॉस करना है, एक एक कदम ध्यान से रखना है। बादलों के पीछे काली टॉप है, कुछ नहीं दिख रहा, उसके बाद वो वहाँ से ऐसे 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 करके ऐसे आए हम लोग, यहाँ ग्लेशियर पार किया और फिर ये यहाँ पहुँच गए हम लोग। बहुत टफ चढ़ाई है, भोले बाबा से मिलना है तो मेहनत जरूरी है। चले और अभी वहाँ ऊपर जाना है, और पता नहीं कितना ऊपर जाना है। तो फाइनली हम लोग अभी भीमद्वारी पहुँच चुके हैं, और भीमद्वारी पहुँचने के बाद यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है। यहाँ पे सारी जगह टेंट लगे हुए हैं रेस्ट करने के लिए, और पीछे की ओर 4 से 5 ग्लेशियर्स हैं और 2 बड़े बड़े वाटरफॉल हैं, और आप देखेंगे तो भीमद्वारी में रहने की सुविधा आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पूरा गाँव बसा हुआ है टेंटों का, और फैसिलिटी सारी हैं, वॉशरूम्स बने हुए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज़ आप ये जो स्थान देख रहे हैं ये भीमद्वारी के आने के बाद आता है,
तो यहाँ पर माना जाता है कि भस्मासुर का वध हुआ था। स्थानीय मान्यताओं को माने तो यहाँ भगवान विष्णु जी ने शिव जी से वरदान प्राप्त भस्मासुर को नृत्य के लिए राजी किया और नृत्य करते वक्त उसने अपना हाथ ही अपने सर पर रख लिया और जिस कारण वह भस्म हो गया। तो माना जाता है कि उसी वजह से यहाँ पर जो मिट्टी है और पानी है इनका रंग हमेशा लाल रहता है। तो गाइज आप ये झरना देख रहे हैं, ये है पार्वती झरना और आज हमारा डे 3 है। आज हमें श्रीखंड कला सबमिट करना है। पार्वती झरना क्रॉस करने के बाद हमें डायरेक्टली ऊपर जाना है पार्वती पार्क। और जो आप सामने पहाड़ की चोटी देख रहे हैं वो है पार्वती बाग। आज हम अपनी तीसरे दिन की यात्रा भीम द्वारी से स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमें श्रीखंड महादेव के दर्शन करने हैं, इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के अराउंड निकल गए हैं। तो जिस दिन आप लोग भी सबमिट करना हो तो लगभग सुबह 3 या 3:30 बजे निकल जाइए, क्योंकि दिन बहुत बड़ा है और आज आपको बहुत ज़्यादा चलना है। तो आप जब भी पार्वती बाग तक पहुँचेंगे, यह बहुत टफ चढ़ाई है, पूरी जिगजैग चढ़ाई है, इसके बाद ही आप पार्वती बाग पहुँचेंगे। तो पार्वती बाग से श्रीखंड के रास्ते में नैन सरोवर पड़ेगा। आप नैन सरोवर क्रॉस करने के बाद ही श्रीखंड जा पाएंगे और ये जो रास्ता है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और यहाँ पर आने के बाद पहली बार आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाइट पर हैं और यहाँ पर हवा की लेयर बहुत पतली हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप यहाँ पर आते हैं एक देसी कपूर ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर जब भी आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी या जब भी आपकी सांस फूलती है तो आप 10 से 15 मिनट बाद कपूर सूंघ लें, जिससे आपको सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बादलों का जो ढेर दिख रहा है इसके नीचे पार्वती बाग भीमद्वारी है और नीचे से चढ़ के हम यहाँ तक आ गए हैं। हम चढ़ रहे हैं नैन सरोवर तक और सिंगर से बताने की कोशिश करता हूँ, वहाँ नैन सरोवर है और श्रीखंड वहाँ पे ही जाके श्रीखंड महाराज हैं। ये नैन सरोवर है, ऐसा माना जाता है यहाँ पार्वती माता की आंसू से बना है। एक बात जो हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे वो ये है कि अगर आपको थोड़ी सी भी फिजिकल प्रॉब्लम है तो आप इस ट्रैक को अवॉइड करें, और ट्रैक के दौरान आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस ट्रैक को वहीं रोक दें और वापस चले जाएं, क्योंकि इस ट्रैक पर कुछ लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि शिवलिंग तक जाने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। यह भीम लिपि कहा जाता है, नीचे से भीम जी ने से ऊपर फेंका था स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता बनाते टाइम। ये कुछ लैंग्वेज है उसी टाइम की, स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बनाया गया तब ये पत्थर भीम द्वारा फेंके गए थे। बस ये आखिरी स्ट्रेच है, इसके बाद महादेव के दर्शन हो जाएंगे। आखिर भोले ने बुला ही लिया, क्या ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। मेरे पीछे शिवलिंग खड़ा है, तो फाइनली हमें शिवलिंग के दर्शन हो चुके हैं और यहाँ तक आते आते हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लेकिन शिवलिंग के दर्शन से एक अलग ही एनर्जी का एहसास हो रहा है, अब बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है। तो फाइनली हम लोगों ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है और हमारे साथ साथ आप लोगों ने भी भोलेनाथ के दर्शन कर लिए हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि लोगों को यहाँ की यात्रा के बारे में पता चल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।